नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ जी। दोस्तों, देश में एक ऐसा जे की हवा को प्रमोट किया जा रहा है जो सबसे जे की भयानक के रूप लेने जा रही है। अपने भारत में कुछ ऐसे जे कि लोग सत्ता को, लोभी सत्ता को पाने के लिए कुछ ऐसे जे की हवा को प्रमोट कर रहे हैं, हवा को जे कि लग चला रहे हैं कि उससे जे कि सत्ता को किसी तरीका से जे कि हासिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोग को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का जो वोट देने का अधिकार है वह शायद वोटर लिस्ट से समाप्त की जा रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस हवा को प्रमोट करने की प्रयास की जा रही है, यह हवा कोई नया नहीं है, यह हवा पुराना है। और इसको जे कि कांग्रेस ने जे कि प्रमोट करना जे कि चाहता था, प्रमोट करता था, लेकिन आज उल्टी दिशा में जे कि उसके जे कि हवा चल चुकी है और वह बीजेपी के लोग जे कि प्रमोट कर रहे हैं। हर जगह पे जे कि नारा लगाया जा रहा है, 400 पार, 370 जे कि बीजेपी और अदर जे कि एनडीए जे कि गठबंधन की जो है वह सभी जे कि मिलाकर के 400 पार की एक हवा चलाई जा रही है। और हवा तो ठीक है, यह तो चलाई जा रही है, अच्छी बात है। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा में जे के हैं वो भी जे के ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैसे मिलेगा 400 सीट। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में जे के बने हुए हैं, 12 तारीख को जे के उनको टेस्ट देना पड़ेगा और सरकार 99% में जे के सरकार जे की गिर जाएगी। जीतन मांझी ने बहुत बड़ा जे की खेला जे की कर दिए हैं। शायद जीतन मांझी को उप मुख्यमंत्री बनने की लालसा जे की अभी उनके ऊपर जे की सवार है। शायद इस बात का जे की उन्हें जे की यह आश्वासन दिया गया है कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है उनको जे की यह बात जे की रास आई हो और इस प्रकार से सत्ता का चाबी जे की पलटने जा रहे हैं। सत्ता का जे की खेल जे की बहुत 12 तारीख को जे कि स्पष्ट सामने जे कि आएगा फेयरवेल टेस्ट में जे कि, और बहुमत साबित करने का तारीख जे कि घोषित हुआ है। लेकिन उससे पहले बीजेपी हर चीज को भुनाना चाहती है, हर चीज को जे कि भुनाना चाहती है, हर चीज को जे कि किसी न किसी तरीका से जे कि लोगों को गुमराह करना चाहती है। जब ईवीएम पर जे कि लगातार जे कि कोर्ट में धरना दी जा रही है, सड़कों पर धरना दिया जा रहा है, अनेकों जे कि एडवोकेट जे कि वकील जे कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने के साथ साथ जे कि धरना पर हैं, तमाम तरीका के जे कि हल्ला बोल जे कि हो रहा है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जे कि आश्वासन दिया है कि उस पर सुनवाई होगा, तो कहीं ना कहीं यह बात जे कि मोदी को खटक चुका है और वह दूसरा रास्ता अपना चुके हैं कि अब किस तरीके से चुनाव जीतना। तो सबसे बड़ा जे कि समस्या जे कि खड़ी कर रहे हैं लोगों के सामने कि अब वोटर लिस्ट से नाम जे कि गायब कराना, हटवा देना। अब जहां पर जे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अधिकांश जे कि मुस्लिम वोटर जे कि वोट नहीं देगा, नाम नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में तो देगा नहीं। और जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज के बहुत ऐसे लोग हैं जो आज बीजेपी से जे कि वोट नहीं करना चाहते हैं, तो बीजेपी को वोट वह ना दे तो किसी और को भी वोट ना दे, ऐसा जे कि हथकंडा जे कि अपनाया जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम ही गायब करा दिया जाए और ओनली फॉर जो बीजेपी का वोटर है उस बीजेपी को वोट करेंगे और बाकी अदर जे कि वोट नहीं कर पाएंगे। चलिए, यह भी बात ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ईवीएम पर सुनवाई 31 जनवरी को होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ। एक मोदी जी का वीडियो जी की वायरल हो रहा है दिल्ली में टनल का, तो वहां जी की जब बनवाए थे, जब गवर्नमेंट बहुत बखूबी तरीका से अच्छाई जी की काम कर रही है, तो वह टनल जी की क्यों इस टाइम जी की
पानी से डूबने के साथ साथ वो ध्वस्त होने जा रहा है। एलएनटी कंपनी को जे की नोटिस जारी करके उससे जे की वो जवाब मांगा गया है कि कैसे जे की बनाया गया कि यह जे की खराब हो रहा है और बहुत जल्दी खराब हो रहा है। भ्रष्टाचारी बाहर है, विपक्ष में नहीं है, विपक्ष के लोग जे के भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार जे की विपक्ष के ऊपर जे की लगाया जाता है। नीतीश कुमार जी के पक्ष में है इस टाइम, जी की भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। जब वो विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचार करते थे। बिहार में एक पुल बनाए थे जो नदी में जी की बह गई, एक साल भी नहीं टिकी, तो वह भ्रष्टाचार किए थे। और इस टाइम जी की बीजेपी में है तो वह जी की भ्रष्टाचारी नहीं है, वह अच्छे इंसान है। और दिल्ली में जी की जो टनल बनाया गया है, वह जी की टनल जी की आज गिरने के स्थिति में जो कि दरक गई है, पानी लग जा रहा है, वह डूबने के कारण हो जा रहा है, तो वह जो कि वहां बुझे कि वह जो कि भ्रष्टाचार अभी नहीं है, क्योंकि मोदी जी बनवाए हैं, मोदी जी के पक्ष में जो कि वो है, तो वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और वही नीतीश जी के बाहर थे तो जो कि भ्रष्टाचार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी किसी पर भी बुलडोजर चलाते हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, चाहे वो जे कि इंसान अच्छा हो या गलत हो या भला जे कि बुरा हो, जैसा भी हो, वह जे कि गलत नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जे कि बुलडोजर इनके जे कि घर का है, जब मर्जी जिस पर जे कि चलाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या में वही जे कि हाल। दोस्तों, मैं आप लोगों से साफ साफ जे कि कहना चाहता हूं कि आप अपना वोटर लिस्ट जे कि जांच कराएं। सरकार गिरेगी, सरकार जे की बनेगी, सरकार रहेगी, वह एक अलग विषय की बात है। बिहार में जे की सरकार गिरेगी या बनेगी एक अलग विषय की बात है। लेकिन आप वोट देना चाहते हैं तो वोट से 1,66,00,00,000 जे की लोगों को वोट से नाम जे की गायब करवा दिया गया है। अब वह जे की किस तरीका से जे की जुड़ेगा, इसके बारे में आप प्रक्रिया जे की अपनाएं, जाके बीएलओ से जे की मिले, जे की वोट को जे की अपना वोट जुड़वाएं, क्योंकि यह जे की नाम जे की कटवा दिया जा रहा है। अभी तक जे की इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग सबूत देने से इनकार जे की कर रहा है, क्योंकि वह जे की किसी और के दबाव में है, साहब उनके ऊपर जे की दबाव बनाए हैं, तो जे की वह कब देगा, नहीं देगा, कैसे करेगा, यह जे की बात समझ से जे की परे है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जे की वोटर लिस्ट में नाम जांच कराएं, और जे की आप एक जे की मजबूत सरकार जे की बनाने का जे की प्रयास करें, तभी कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा जे की हो सकता है कि आपका वोट का हरण जे की रुक सके। नहीं तो ईवीएम जे की लगाया गया है और वोटर लिस्ट में नाम जे की गायब कराया जा रहा है और तमाम तरीका की चोरी जे की पकड़ी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर जे कि अभी खामोश, चुनाव आयोग खामोश। तो दोस्तों, इस विषय पर जे कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय जरूर बताएं, और हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं पिन कमेंट में जे कि जरूर कमेंट करें।